करके ये CAA के नाम पर भारत विरोध का एजेंडा चल रहा है और CAA पर जो जुबान पाकिस्तान का वही जुबान भारत में कांग्रेस और RJD कम्युनिस्ट तमाम लोग। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब शाहीन बाग दिल्ली का शर्जिल इमाम कहता हो कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, भारत का चिकन नेक आसाम को काट देंगे, ये लोकतांत्रिक नहीं बल्कि ये खिलाफत आंदोलन हो जाता है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश को, जो लोकतांत्रिक देश है उस देश को धार्मिक इस्लामिक देश बनाने की बात करता है। कोई कहता उसी मंच से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र कि जो हमारे कौम से टकराएगा वो बर्बाद हो गया है, दुनिया में यहां भी बर्बाद हो जाएगा। हद तो तब हो जाती है जब हैदराबाद से आवाज उठता हो ये नहीं वापस लिया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हैदराबाद से आवाज उठता हो कि अगर 15 मिनट खत्म कर दिया जाए, छूट दे दी जाए, पुलिस को हटा दी जाए तो मैं यहां के हिंदुओं को दिखा दूं, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे लगे, आज देश को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का समय आ गया है। 1947 के पहले हमारे पूर्वज देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जिन्ना भारत को इस्लामिक स्टेट की योजना बना रहा है। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहां भेज दिया गया होता और हिंदू को यहां, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हमारे अंदर अगर भारतवंशियों को भारत में जगह नहीं मिलेगा तो दुनिया का कौन देश है जो उसे शरण देगा। इसलिए आज कार्यकर्ताओं के बीच, कल मीटिंग में कार्यकर्ताओं का काम है कि जाके जगाना, लोगों को बताना, इस भ्रम को दूर करना। लेकिन सोए हुए को जगाया जाता है, जगे को नहीं हम जगा सकते। जिन लोगों ने ये जानबूझ करके भ्रम फैला रहे हैं गरीब मुसलमानों में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के तर्ज पर है, दिल्ली के शाहीन बाग में बैठे लोग
वोटर आईडी कार्ड दिखा करके ही वोट दिया, वहाँ नहीं कहा कि हम सबूत नहीं दिखाएंगे। वोट देने के लिए जाते हो तो सबूत दिखाएंगे, एनपीआर का विरोध करेंगे। 125 करोड़ जिस देश में आधार कार्ड बना हो, जितने चीज एनपीआर में मांगा गया है उतने ही तो आधार कार्ड में है, फिर एनपीआर का विरोध क्यों? ये खास सोची समझी रणनीति के तहत ये भारत में लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं बल्कि खिलाफत आंदोलन है देश को तोड़ने के लिए।